नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड फूड। आज मैं बना रहा हूँ किसी की डिमांड पे चिकन फ्राइड राइस और चिकन अमेरिकन चॉपसी, जो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, कम से कम 200 ग्राम। इसको बॉईल करना है, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। चावल मैंने लिया है 250 ग्राम, जिसको मैंने पानी में फुला के रख दिया है। और ये चावल के लिए मैं पानी बॉईल करना है, तो ये इसकी भी गैस को स्टार्ट कर देता हूँ। अब हम चिकन में के बॉइलिंग में हम 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। देखिए, मैंने चावल को पहले से पानी में इसलिए डाल के रखा हुआ है, जो इसका जो स्टार्च है वो निकल जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको धो के फिर जब तक पानी बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पूरा डाल देंगे। जब देखिए फ्रेंड्स, पानी एकदम बॉईल हो गया है और चिकन भी हमारा बॉईल हो गया है। मैंने इसके चिकन के पानी में से पूरा राफ निकाल दिया है, जो ऊपर इसकी गंदगी रहती है। अब हम राइस इसमें डालेंगे और हमें इसको 50% ही कुक करना है। राइस को ध्यान रखिएगा, 50% ही कुक करना है। स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करिएगा। राइस हमने डाल दिया है, अब इसमें भी थोड़ा सा विनेगर, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब बस राइस को हम बॉईल होने देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, जब ये 50% हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको राइस। देखिए, राइस हमारा हो गया है और ये 50% हो गया है। अब हम उसको ड्रेन करके साइड में रख देंगे। बाकी देखिए, राइस हमारा तैयार है और इसको मैंने एक ट्रे में फैला दिया है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल में मिक्स करूंगा और इसको फ्रिज में रख दूंगा एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए। चलिए, जब तक हमारा राइस ठंडा हो रहा है, हम एग बना लेते हैं। पैन मैंने गरम कर दिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, और आप चाहे तो ऑमलेट भी बना सकते हैं, पर मुझे स्क्रैम्बल टाइप की पसंद है, मैं वो बना रहा हूँ। आप आराम से ऑमलेट भी बना के कटिंग करके डाल सकते हैं, पर अब मेरा प्रोसीजर जो है वो आप देख लीजिए एक बार। मैं 4 एग ले रहा हूँ, राइस और चॉपसी दोनों के लिए। आप ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा नमक, लगभग 1 टीस्पून के लगभग, और उसको पूरा स्क्रैम्बल कर दूंगा। फ्लेम को थोड़ा तेज ही रखिएगा। देखिए, एग हमारा हो गया है, फ्लेम को हम करेंगे ऑफ और इसको रख देंगे साइड में। चलिए, अब आपको मैं आगे का प्रिपरेशन बताता हूँ। चलिए, अब मैं आगे के स्टेप आपको बताता हूँ। मैंने सारा मीज़ा करके रखा हुआ है, सारी चॉपिंग कटिंग करके रखी हुई है। ये देखिए, मैंने अदरक, लहसुन, ग्रीन चिलीज सारे चॉप करके रखे हुए हैं। वेजिटेबल्स ये चॉप करके रखे हुए हैं, राइस के लिए चॉप करके रखे हुए हैं, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, ये मैंने चॉप करके रखे हुए हैं राइस के लिए। ये मैंने चॉपसी के लिए श्रेडिड किए हुए हैं। प्याज मैंने स्लाइस किया हुआ है, बाकी सारे श्रेडिड किए हुए हैं। तो सारा मिक्सर कर दिया है मैंने। चलिए, अब मैं आपको चॉपसी के लिए सॉस कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा चिकन स्टॉक था, जिसमें हमने चिकन उबाला था, उसी में हम चॉपसी का सॉस तैयार करेंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें विनेगर, रेड चिली 2 टीस्पून, इसमें ग्रीन चिली में नहीं डालूंगा,
सोया सॉस में डार्क यूज कर रहा हूँ, तो उसको बिल्कुल हाफ टी स्पून डालिए, हाफ से भी थोड़ा कम। ओके, टमाटो केचप थोड़ा ज्यादा, आप टमाटर उबाल के भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ टमाटो केचप यूज कर रहा हूँ। टमाटो केचप कम से कम हाफ बाउल आपको डालना है, केचप का स्वाद क्योंकि उसमें ज्यादा रहता है। थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ मैं फूड कलर रेड, और इसके बाद इसमें डालेंगे अजीनोमोटो। अजीनोमोटो के बाद इसमें डालेंगे हम शुगर, जितना आपको स्वीट चाहिए आप उतना ले लीजिए, मैं बहुत बैलेंस इसको स्वीट करता हूँ। मैं इसमें 3 से 4 चम्मच शुगर डाल रहा हूँ। इसको मिक्स कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। चलिए हम चॉपसी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चॉपसी बना लेते हैं, क्योंकि राइस तो 2 से 3 मिनट में ही हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऑयल गर्म हो जाने दीजिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें 8 से 10 मैंने गार्लिक चॉप करके रखे हुए थे, अब मैं वो डालूंगा। पत्ता गोभी मैंने थोड़ा सा लिया था, 1 शिमला मिर्च मैंने स्लाइस करके रखा था, और 1 बड़ी प्याज। जैसे गार्लिक थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाता है, उसके बाद हम ये सारी सब्जियां इसमें डालेंगे। सिर्फ इसको हमको सौते करना है, ध्यान रखिए ज्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा हमको सौते करना है 2 से 3 मिनट के लिए। चाइनीज में थोड़ा सा वेजिटेबल कच्चा ही रहना चाहिए, तभी उसका टेस्ट आता है। इसमें थोड़ा सा मैं 1 टीस्पून डालूंगा अजीनोमोटो, अजीनोमोटो टेस्ट फाइन कर देता है और इनहेंस भी करता है। वेजिटेबल्स फ्राई हो गए हैं, इसके बाद मैं इसमें डालूंगा चिकन, जो मैंने 200 ग्राम्स लिया था उसमें से 100 ग्राम्स में चॉपसी में डाल रहा हूँ। उसके बाद एग, थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ये पूरा अपना जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था सॉस का मिक्सचर, ये पूरा डालेंगे। और फुल फ्लेम पे इसको बॉईल होने देंगे। एक टीस्पून में इसमें सॉल्ट डाल रहा हूं, ताकि ये थोड़ा सा खट्टा मीठा लगे, चॉपसी का मजा ही वही है, थोड़ा सा खट्टा मीठा। स्वीट आप चॉपसी को अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको स्वीट करना हो। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने घोल के रखा था 4 टीस्पून, इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम। उसको तुरंत स्टर करेंगे ताकि इसमें लंप ना पड़े।
और अब गैस को हम थोड़ा सिम कर देंगे। देखिए अब कितनी थिक हो रही है, कितनी थिक हो रही है ये चॉप्स की, आपको समझ में आ गया होगा कलर से कि टेस्ट इसका जो आया है, आप बना के किसी को खिलाएंगे तभी पता लगा पाएंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और बनाइए। ये हमारी चॉप्सी हो गई है पूरी रेडी। चलिए अब हम चिकन फ्राइड राइस की तैयारी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चिकन फ्राइड राइस। ये सॉसेज मैंने पहले से मिला के रख लिए हैं, इसमें मैंने 2 टीस्पून विनेगर डाला है, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डाला है और इनको मिक्स करके रख लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल आप ज़्यादा लीजिए, अगर नॉन स्टिक ले रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि चाइनीज में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गार्लिक, जिंजर एंड चिली। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें हम सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। सारे वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने 1 शिमला मिर्च लिया था, 1 बड़ा प्याज लिया था, 1 गाजर लिया था और थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया था। बस इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है और उसके बाद इसमें हम चिकन और एग मिलाएंगे। तो फुल आंच पे ही पकाइएगा, चाइनीज कभी भी फुल आंच पे ही पकाइए। ये सॉसेज मैं पहले से इसलिए मिला के रखता हूँ क्योंकि जल्दीबाजी में हमसे कभी कम कभी ज़्यादा सॉस गिरते हैं, इसलिए मैं पहले से इसको रेडी करके रखता हूँ। पर इजी भी रहता है, प्रोपोर्शनेट सॉस गलते हैं वो इजी रहता है। ये कुछ टिप्स हैं जो हमारे होटल मैनेजमेंट कॉलेज में हमको सिखाए गए थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक्स है, ये फूड के बेसिक्स है और फूड में हमेशा टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब जैसे कि ये सौते हो गए हैं, उसके बाद मैं इसमें एग डाल दूंगा, चिकन डाल दूंगा और इसको भी सिर्फ सौते करेंगे, क्योंकि एग ऑलरेडी हमने पका ही लिया था, चिकन हमने बॉईल कर ही लिया था, और फिर इसको सौते करेंगे। कलर एकदम ग्रीन है वेजिटेबल्स का, क्योंकि मैंने इनको ज्यादा पकाया नहीं है। थोड़ा सा मिक्स सौते होने के बाद इसमें हम मिला देंगे सॉस। सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी मिला सकते हैं अगर आप ज्यादा खाते हैं तो। वैसे एक्चुअल चाइनीज फूड में बहुत ज़्यादा सॉसेस तो नहीं पड़ते हैं, माइल्ड रहता है। थोड़ा सा इसको स्टर करेंगे, उसके बाद हम इसमें राइस डालेंगे और हमारा चिकन एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हल्का सा सौते करना है ताकि सॉस ड्राई ना हो। हमने इसमें राइस मिक्स कर दिया है और बस इसको 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे और इसको बंद कर देंगे और ये हमारा चिकन फ्राइड राइस एकदम रेडी है। देखिए राइस कितने अलग खिले खिले हुए हैं, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स ये तैयार है हमारा चिकन फ्राइड राइस और चिकन अमेरिकन चॉप्सी। तो आपको प्रिपरेशन अच्छी लगी हो, डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़।